दर्शकों, 5 दिन हो गए शुभम मेहरा को अपने ही घर से गायब हुए। अभी तक ना तो फिरौती की मांग की गई है, ना ही अभी तक कुछ पता चला। आज शुभम मेहरा के पिता उद्योगपति जगन मेहरा और उनकी पत्नी आरती मेहरा आप दर्शकों से कुछ अपील करना चाहते हैं। बस 4 साल का है मेरा शुभम, मासूम, हसमुख, वो जिसके भी कब्जे में, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। वो मेरे बिना नहीं रह पाता, मुझे मेरा बेटा घर लौटा दीजिए। आप सबसे मेरी अपील है, मेरे शुभम को प्लीज लौटा दीजिए। आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, और अगर किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी भी है तो भी मैं उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। बस आप मेरे बेटे को सही सलामत लौटा दीजिए। इन अ वे अच्छा ही हुआ ना सर, पैसों की लालच में कम से कम इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। नहीं अदीरा, आई डोंट थिंक सो। जगन मेहरा ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अब क्या होगा, तरह तरह की कथाएं वहां रहेंगी, मनगढ़ंत कहानियां, से और कंफ्यूजन पैदा होगा, सत्य और धुंधला हो जाएगा। बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो बच्चा सुरक्षित रहे। माता पिता की अपील के बाद साइकिक बिंद्रा ग्रोवर ने हमारे चैनल से संपर्क किया। उनका कहना है कि वो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती है। इस वक्त हम बिंद्रा जी के घर के ठीक नीचे खड़े हुए हैं, आइए देखते हैं वो हमसे क्या कहना चाहती हैं। ये वो वहां पर है जी। शुक्रिया। इस वक्त हम बिंद्रा जी के घर पर पहुंच चुके हैं, हमको देखना है कि बिंद्रा जी हमसे क्या कहना चाह रही थी। हम बिंद्रा जी इस वक्त कुछ कर रहे हैं बिंद्रा जी? आपको जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है। बिंद्रा जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, हम उनसे पर आप क्लोज। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैं जानती हूं शुभम कहाँ है। शुभम की रूह ने मुझे बताया है वो मर चुका है। पक्का ये जगह बताइए ना। हाँ यही वो जगह है। बहुत देर से तलाशी चल रही है, अगर कुछ नहीं मिला ना तो धोखाधड़ी और पुलिस का वक्त जाया करने के जुर्म में अपने हाथ से हथकड़ी पहनाऊंगा आपको। सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, पता चला कि यहाँ पर कोई छानबीन चल रही है,
इसलिए हम लोग भागे चले हैं। देखिए मिस्टर मेहरा, मुझे लगता है कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। सर, यहाँ कौन मिला है? आती हूँ, देखते हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। 5 दिनों से लापता शुभम की लाश पुलिस को कल रात खाई में पड़ी मिली। तांत्रिक वृंदा ने की पुलिस की मदद। एक बच्चे को मार दिया। सर, आपने तो कहा था कि मनगढ़ंत कहानियां सामने आएंगी, यहाँ तो पूरी लाश सामने आ गई। हाँ, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। ये भूत प्रेत की बातें सब मनगढ़ंत ही है। केडी पाठक, कौन? मसी, ठीक है, मैं आ रहा हूं। शुभम की हत्या में पुलिस ने वृंदा ग्रोवर को अरेस्ट किया है। वो चाहती है कि हम उसका बचाव करें। तुम आओगे, मैं जानती थी। भूतों ने बताया। नास्तिक हो? अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते। केडी, मानव मन अद्भुत कार्य करने के लिए सक्षम है। अभ्यास कराया जाए तो मानव मन जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी भेद सकता है। लेकिन केडी, तुम्हें विश्वास करना होगा। ये जेल का अंधेरा, मुझे यहां डर नहीं लगता। मुझे ये काला घना अंधेरा पसंद है। इस अंधेरे से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ना। आज तुम कानून के उस पार खड़ी हो। कभी तुम भी तो कानून के इस पार खड़ी थी, जैसे के कालकोठरी, है ना? सो व्हाट नॉनसेंस। अच्छी बच्ची है, सच्ची नहीं पर अच्छी है। देखिए वृंदा जी, मैं यहाँ अपनी सहायिका के चरित्र पर विवाद करने नहीं आया, आपकी परिस्थितियों पर जानकारी प्राप्त करने आया हूँ। चलिए बताइए, सत्यपूर्ण घटनाक्रम क्या था? मैंने जो किया अच्छा किया, उस बच्चे के लिए किया। उसकी रूह ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे उस खाई से निकालूं। क्या करती, सड़ने देती उसे वहां? ऐसी अगर आपको उद्देश्य भला करने का था तो आप फिर मीडिया के पास क्यों चले गए? कहां जाती, उसके माँ बाप मुझ पर विश्वास करते या फिर पुलिस को फोन करते? प्रश्न मेरे मन में यह है कि जगन मेहरा का बेटा लापता हुआ था, आप उसे सहारा दे रही थी। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तो फिर जगन मेहरा पुलिस को क्यों बुलाता? जगन मेहरा और मेरे बीच कुछ अनबन हो गई थी। मैंने जो कहा, लाश
वहीं से बरामद हुई, लेकिन फिर भी सबको मुझ पर डाउट है। तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे केडी, तो केस कैसे लड़ोगे? मेरी निपुणता पर आप संदेह ना करें। अदीरा, अदालत में दस्तावेज जमा कर दो, हम ये केस लड़ रहे हैं। सर, वो औरत फ्रॉड है, कोई साइकिक वैकिक नहीं है, बस ऐसी कहानियां बना रही है। हो सकता है कि वो फ्रॉड हो सकता है कि वो झूठी हो, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार वो हत्यारे नहीं है। लेकिन सर, सिर्फ दोषी को पता हो सकता है कि लाश कहाँ होगी। हो सकता है, मेरे अनुमान में एक छोटे से बच्चे का हत्यारा खुला घूम रहा है। मेरे लिए उसको पकड़ना जरूरी है, और मैं उसे तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक मैं ये नहीं पता लगा लूं कि वृंदा के कान में वो कौन सी आत्मा है जो फुसफुसाती है। 5 जून की रात को डिनर के बाद शुभम को उसकी आईना सुला दिया था। अगली सुबह मेरी वाइफ आरती ने मुझे जगाकर कहा कि शुभम कहीं नहीं मिल रहा है। हमने योर ऑनर हर जगह ढूंढा, पुलिस बुलाई, 5 दिन के लंबे समय के बाद पता चला कि शुभम को खाई में। एक छोटे से मासूम 4 साल के बच्चे की जान लेना अत्यंत भयानक अपराध है। इट इज प्रोबेबली, नो नॉट प्रोबेबली, इट इज द वर्स्ट क्राइम ऑफ ऑल। वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई मिस्टर मेहरा, जब इसी औरत ने आपको आपके बच्चे का हश्र बताया तो आपने इसी पे इल्जाम क्यों लगा दिया? क्योंकि मैं जानता हूं कि औरत फ्रॉड है। फ्रॉड? What do you mean, Mr. Mehra? हमने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दिया था। What? आपने ऐसा क्यों किया Mr. Mehra? कौन जानना चाहता है? इसने मेरी पत्नी आरती को अपने जाल में फंसा लिया था। तुम्हारी फैमिली खतरे में है आरती, मुझे आत्माओं ने बताया है। आरती, क्या चल रहा है सब? हा? मैंने इस औरत को दखल देने से मना किया था ना। रामू काका, आए मालिक। रामू काका, इस औरत को अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकालो। चलिए मैडम, बात चलिए। प्लीज आरती, मेरी बात का यकीन कर, आत्माओं ने बताया है मुझे खतरा है। देखो, अपने जादू टोने की दुकान ना कहीं और जाकर चलाना, हम तुमसे डर के एक पैसा नहीं देने वाले। डरना जरूरी है मिस्टर मेहरा, आप पैसे दें या ना दें। यही इस औरत की सच्चाई है योर ऑनर। झूठ, फरेब, अंधविश्वास का सहारा लेकर लोगों को डरा धमका कर लूटना, दिस इज व्हाट शी डज। पर जब मिस्टर जगन मेहरा ने लूटने से इनकार कर दिया तो इन्हें बुरा लग गया, गुस्सा आ गया योर ऑनर। इन्होंने बदला लेने की सोची, बदला प्रतिकार, कोल्ड ब्लडेड रिवेंज। मिस्टर विश्वजीत राणावट, कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो आप मेरे मुखिल पर दिल खोल कर कुकर्म और कुसंस्कार थोप रहे हैं,
इसका कोई आधार है या यूं ही? क्या सबूत चाहिए आपको मिस्टर पाठक? मुझे पूरा यकीन, आई करेक्ट माई सेल्फ, यकीन नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कभी कभार आप जानवरों की गवाही ले लेते हैं कोर्ट में, पर अगर भूत प्रेत को यहाँ बुलाएंगे तो आई एम श्योर अदालत उस गवाही को नहीं मानेगा। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। इसीलिए योर ऑनर, चूंकि हम वृंदा की इन क्षमताओं के बारे में नहीं जानते, हमें इनकी क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान नहीं है, मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि इनकी क्षमताओं का एक बार वैज्ञानिक जाँच करवाया जाए। कोर्ट का टाइम बहुत प्रेशियस है मिस्टर पाठक, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नॉट वेस्ट इट प्लीज। This is a straightforward, open and shut case. केस को आपने ओपन ही कहाँ किया है रानावत साहब, अब तक जो शट होगा। You have not opened the case as yet. पर कहने का अर्थ ये है, don't mind please, कि आपने अभी तक यहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं प्रस्तुत किया। No eyewitness जो यहाँ खड़ा होकर ये कथन दे कि उन्होंने वृंदा जी को देखा मेरा निवास से उस बालक का अपहरण करते हुए, या फिर उन्होंने देखा वृंदा जी को उस बालक को खाई में फेंकते हुए। मैं माफी चाहता हूं मिस्टर पाठक, मेरे पास कोई ऐसा जीवित इंसान नहीं जो आके ऐसा कह सके, और भूत प्रेतों पर मेरा वश नहीं। चलिए आई विटनेस की बात छोड़िए, ऐसा कोई साक्ष्य आपने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जो ठोस रूप से यह प्रमाणित कर दे कि वृंदा जी हत्यारिन है। आपकी चुप्पी को मैं ना समझ लूं? बिल्कुल। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, हमारे प्रिय राणावत साहब ने अभी तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं पूछा कि अंततः क्यों उस बालक का शव नग्न अवस्था में पाया गया, क्या हुआ उसके कपड़ों का। और अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि वृंदा जी ने हत्या की है, तो यह स्वयं पुलिस को उस खाई तक क्यों लेकर गई? ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वृंदा जी पर आरोप जो लगा है वो सत्य है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इनकी क्षमताओं का वैज्ञानिक जांच करवाना अनिवार्य है योर ऑनर। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि आप ये ऑर्डर दें। यह अदालत जांच का आदेश देती है और तब तक मुलतवी की जाती है। आर यू वृंदा ग्रोवर, रेसिडेंट ऑफ मुंबई, एज 43? आप शुभम मेहरा को कैसे जानती हैं? शुभम मेहरा बोलो बेटा। एक पेड़ है, बंगलो भी। ऑरेंज और ऑरेंज विला समुद्र के पास, वहीं ले जाना चाहता है शुभम। हाँ, मुंबई में ऐसे बंगलो सिर्फ जुहू, वर्ली और मड में है, और ये ऑरेंज विला मड में ही। मालिक को बोला। जी साहब। यही घर है? हाँ। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। यही वो पेड़ है जिसके बारे में शुभम ने मुझे बताया था। सावंत सर, सर एक्सक्यूज मी।
बिना इजाजत आप हमारे बंगलों में क्या कर रहे हैं? आपकी पहचान? मैं इस बंगलों का मालिक हूं। बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए कि शुभम मेहरा के कपड़े आपके बंगले में कैसे है? तुम? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। योर ऑनर, इस औरत से मैं 2 साल पहले मिला था एक पार्टी में। पेशे से मैं एक बिल्डर हूं। रेत ईंट सीमेंट में रहना ही मेरी जिंदगी है। पता नहीं क्यों ऐसी औरत से मैं आज तक नहीं मिला था और मुझे इससे प्यार हो गया था। प्यार हो गया था? था कहा आपने? अभी नहीं? जी नहीं। अगर मैं कोर्ट को बताऊं तो शायद मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये औरत काला जादू जानती है। ऑर्डर ऑर्डर। एक रात को मैं That was it. मैंने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। एक डायन के साथ मैं रिश्ता नहीं रख सकता था। चाहे ये कैसी भी हो, ये रिश्ता टूटने का इन पर कुछ असर तो हुआ होगा। क्या ये मान गई? जी नहीं। महीनों तक ये मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आया। और आज जानबूझकर इस केस में ये मुझे फंसा रही है। योर ऑनर, शी इज अ डेंजरस वुमन। मुझे इससे डर लगता है। मैं जगन मेहरा को जानता तक नहीं तो उनके बच्चे के साथ मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? Exactly. मैं कोर्ट को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये औरत झूठी और कपटी है। ये कोर्ट को बार बार धोखा देने की कोशिश कर रही है। प्रोसिक्यूटर साहब, सॉरी, आपके दलील में मैंने जरा रुकावट डाली है। मैं आपकी सहायता चाहता हूं क्योंकि इस समय मैं बहुत कंफ्यूज हूं। पहली सुनवाई में भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आधार है जो आप इतने सुंदर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं मेरी मुवक्किल के लिए। आपके जो प्रथम गवाह आए थे उन्होंने कहा कि मेरी मुवक्किल कपटी है, धोखेबाज है। अब आपके दूसरे गवाह कह रहे हैं कि वो डायन है, इत्यादि इत्यादि। प्लीज़ मेरी ये कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट कीजिए। ये क्या अंततः क्या है वृंदा जी, मेरी मुवक्किल वो क्या है? आप भी इसी समय उतना ही कन्फ्यूज लग रहे हैं। एक काम करिए, आप विराजिए, मैं इन्हीं से पूछता हूँ। प्रकाश जी, धन्यवाद। प्रकाश जी, सर्वप्रथम तो आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आपने एक स्त्री के लिए, मेरी मुवक्किल के लिए इतने सुंदर शब्द उपयोग किए, हमें बहुत जानकारी दी। थोड़ी जानकारी मैं आपसे भी प्राप्त करना चाहता हूँ। 6 जून को क्या व्यस्तता थी आपकी? कहाँ थे आप? क्या कर रहे थे? कृपया बताएं। जी, मैं किसी ऑफिशियल काम में बिजी था। अच्छा अच्छा अच्छा, व्यवसायिक कार्य में जुटे हुए थे जी। एक मिनट, कुछ बस यूं गया। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रकाश जी? हाँ, ऐसा ही है। देखिए, रायगढ़ में थे आप। 6 जून को आप रायगढ़ में थे, वहां सरकारी टेंडर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे आप। क्या मैं सही कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपने कहा कि आप जगन मेहरा को जानते ही नहीं थे? तो ये जो सूची है मेरे सामने, इसके अनुसार तो जिस टेंडर के लिए आप 6 जून को रायगढ़ गए थे, उस टेंडर में एक ही प्रतिद्वंदी था आपके सामने और वो जगन मेहरा।
ये तो जानकारी रही होगी आपको इस बात की? नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, हम ध्यान नहीं रखते हैं। क्या ध्यान नहीं रखते प्रकाश जी? किस बात पर ध्यान नहीं रखते? व्यवसाय पर ध्यान नहीं रखते, ये बात सही है? या फिर ये बात सही है कि अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी के बेटे को अगवा करवा दिया ताकि उनका ध्यान वहां चला जाए और टेंडर आपको मिल जाए? क्या ऐसा ये सत्य है या वो क्या सत्य है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है बताइए ना। उनके बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद दुख है, लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा ही होता है। इसीलिए आपने ये देखिए 5 जून को ये नंबर पहचानते होंगे आप, जगन मेहरा जी के वाहन चालक का नंबर है योर ऑनर। हाँ तो प्रकाश जी, मैं ये तो प्रमाणित कर चुका हूँ कि आप जगन मेहरा जी के वाहन चालक से वार्तालाप कर रहे थे 5 जून को। ये भी प्रमाणित कर दूंगा बहुत शीघ्र कि वो आपके गुप्तचर बन गए थे और उस टेंडर के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे थे, और आप इस बात से इनकार भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्लीज ले आइए उन्हें। ये देखिए, ये टेंडर मेरे लिए बहुत जरूरी था योर ऑनर, और इसे पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैंने किया, और यही सत्य है योर ऑनर। अब ये हत्यारे हैं या नहीं ये तो तभी प्रमाणित होगा जब इस नई जानकारी की जांच की जाएगी। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। यह अदालत जांच का आदेश देती है और तब तक मुलतवी की जाती है। अरे देरा, वो नोटिस किया तुमने कोर्ट में कभी मिसेस मेहरा शुभम की माताजी नजर नहीं आई? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। सर वो बीमार है, बच्चे की मौत का बहुत गहरा असर पड़ा है उन पर। I'm sure असर पड़ा होगा। तुम एक काम करो, ये जगन और प्रकाश से मिलो, बात करो, सत्य निकालने का प्रयास करो। मैं जाकर ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि बृंदा ग्रोवर जी की सच्चाई क्या है। अंदर आइए। परफ्यूम पसंद आया केटी? तुम आओगे जानकर स्पेशली तुम्हारे लिए ही लगाया था। अच्छा, देखिए वृंदा जी, अब आप ये कहेंगी कि पहले से आप जानती थी कि मैं आऊंगा, इसलिए आपने ये सारी तैयारी मेरे लिए की। देखो वृंदा, तुम्हें मेरे साथ ये ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रघु काका ने मुझे बताया था कि तुमने फोन करके पता किया था, और ये जो तुम्हारी आंखों वाली मुद्रा है ना, ये वाली पुतलियां छुपाने वाली, मैं जानता हूँ कि अभ्यास करने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ये सब जो तुम्हारा ड्रामा है ये किसी नादान को छलने के लिए काफी होगा, लेकिन केडी पाठक को छलने के लिए सक्षम नहीं है। तो मुझे शुभम की लाश का पता कैसे चला और उसके कपड़ों का? हाँ, इसी प्रश्न का उत्तर जानने में तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, तो तुम्हें खुली छूट है केडी, मैं तुम्हारे किसी भी काम में बाधा नहीं बनूंगी। तो बताइए 5 जून की रात आप कहाँ थी? 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ अपने घर पर थी, मेहरा बंगलों से कोसों दूर। अच्छा, श्योर? याद करिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं से लौट रही थी और अपनी गाड़ी में सैर करने निकल गई हो मेहरा निवास की ओर? मेरी गाड़ी खराब है, गिराज गई है,
चाहो तो जाकर देख सकते हो। आपकी गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है। वो गाड़ी मैंने रेंट पे ली है जेल से छूटने के बाद। अगर चाहो तो इस गाड़ी में रात्रि सैर के लिए जा सकते हैं। चांदनी रात, लॉन्ग ड्राइव, उफ, आई लव इट। राइट, मैं आपको स्मरण करा दूं कि आपके सर पर हत्या का आरोप है। मैं जरा जाता हूं मेरे कार्यालय आपके केस की तैयारी करने। थैंक यू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बृंदा जी, कल रात शुभम की आत्मा ने आपसे संपर्क किया था। Oh, come on, Your Honor, this just keeps getting ridiculous by the minute. ये औरत रोज हमें कोई नई इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग अट्रोशियस कहानी सुनाती रहेंगी और हम यहाँ कोर्ट में सुनते रहेंगे। Your Honor, इनकी कहानियां सत्य भी निकल रही। शुभम की रूह ने मुझसे रिक्वेस्ट की। शुभम कि मैं उसके पिता को बताऊं कि उसका खून उसके मां के किसी खास दोस्त ने की थी। ऑर्डर ऑर्डर। खास दोस्त अर्थात? मुझे जहां तक लगता है कि वो किसी नाजायज रिश्ते की ओर इशारा कर रहा था। What nonsense! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर कीचड़ उछालने की? मेहरा साहब, शांत रहिए ना, आपकी पत्नी स्वयं अपना पक्ष रख सकती। Your Honor, मैं मिसेज मेहरा को अदालत में बुलवाने की अनुमति चाहूंगा। वो नहीं आ सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। Your Honor, मैंने आपकी पत्नी को टीवी पे इंटरव्यू देते हुए देखा है मिस्टर मेहरा। अगर वो मीडिया से बात कर सकती हैं, तो यहाँ अदालत में भी पेश हो सकती हैं। बुलवाइए उन्हें। Your Honor, मेरी सहायिका अधीरा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है इस केस में। उन्होंने ये पता लगाया है कि कुछ दिनों से मिसेज मेहरा एक ऐसे व्यक्ति से भेंट कर रही थी, मिल रही थी, जो उनके निवास के बहुत ही निकट किसी सराय खाने में रह रहा। मेरे निवेदन पे इंस्पेक्टर राठौर ने उन्हें हिरासत में लिया है। आपकी अनुमति हो तो उन्हें अदालत में बुलाओ। अनुमति है। कृपया अदालत को अपनी पहचान दीजिए। जी, मेरा नाम राजीव कपूर है और मेरे आरती के साथ संबंध थे। कैसे संबंध है आपके आरती? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि शादी के सपने देखने लगे थे। फिर अचानक से आरती की फैमिली वालों ने इसका रिश्ता कहीं तय कर दिया। लड़का पैसे वाला था तो आरती ने मुझे छोड़ दिया। चलिए, ये सब तो भूतकाल की बातें हैं, ये बताइए वर्तमान में क्या संबंध है आरती के साथ आपके? कोई संबंध नहीं है, मैं तो कई सालों से मिला भी नहीं उससे। ये झूठ है योर ऑनर। Your Honor, सच तो यह है कि शादी से पहले राजीव और मैं एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और जब जगन का रिश्ता आया तब मेरे माँ बाप ने मुझे राजीव से कट ऑफ करने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद हम कभी नहीं मिले। लेकिन कुछ हफ्तों पहले राजीव लौट आया। Your Honor, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि वो हमारे अतीत के बारे में सब कुछ जगन को बता देंगे। उसे चुप कराने के लिए मैं उसे पैसे देती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था योर ऑनर कि मैं एक सांप को दूध पिला रही हूं। वो भी वो सांप जो मेरे बच्चे को डस लेगा। मुझे उस खूनी का आभास हो रहा है, वो इसी अदालत में मौजूद है। लेकिन राजीव खूनी नहीं है। ये कोर्ट क्या एक मजाक है केडी? कभी तुम्हारी क्लाइंट कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, बृंदा जी केवल वही कर रही थी, वही कह रही थी जो मैंने उनको कहने और करने को कहा था।
राजीव खूनी नहीं है। मैं केवल अदालत में इतना प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि ये जो भौतिक रूप है इनका, योर ऑनर, ये केवल एक स्वांग है और कुछ नहीं। अर्थात जो प्रोसिक्यूटर साहब पहली सुनवाई से कह रहे हैं कि ये महिला एक ढोंगी है, अदालत में उसका प्रमाण देने का प्रयास कर रहा है। योर ऑनर, मैं वृंदा जी से भेंट करने इनके घर गया था तो इन्हें घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई पाई। मैंने अपनी सहायिका अदीरा से उस गाड़ी की जांच पड़ताल करने को कहा तो कुछ तथ्य सामने आए। आपकी अनुमति हो तो मैं अदीरा को यहां बुलाऊं। अनुमति है। योर ऑनर, रेंटल कार सर्विसेज से पता चला है कि 5 जून को मिसेस ग्रोवर ने गाड़ी किराए पर ली थी। उनके डेटाबेस से हमें जीपीएस की डिटेल्स मिल गई हैं। 5 जून से अब तक मिसेस ग्रोवर की गाड़ी कहां कहां और कब गई वो सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं वृंदा जी की तारीफ में क्या कहूँ। तुम कहना क्या चाह रहे हो केडी? जो कहना है यही कहेंगे। बताइए अदालत को वृंदा जी। 5 जून की रात मैं रेंटेड कार से पार्टी से घर लौट रही। मैंने उत्सुकता से कार रोकी और फिर वहां गई। सोचा कि मैं अगली सुबह पुलिस के पास जाऊं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुभम के गायब होने की खबर फैल चुकी थी। मैंने अंदाजा लगाया और शुभम की तस्वीरें ब्रॉडकास्ट हो चुकी थी। मैं श्योर हो गई कि वो कपड़े शुभम के हैं और सिर्फ मुझे पता था कि शुभम की लाश कहां है। योर ऑनर, एक तीर से अनेक निशाने साधे वृंदा जी ने। बहुत ही अद्भुत योजना बनाई। वाणिज्य ख्याति, धन संपत्ति इत्यादि इत्यादि, और केवल इतना ही नहीं, योर ऑनर, जगन मेहरा से प्रतिकार और अपने पूर्व प्रेमी तोड़ी से प्रतिशोध। लेकिन बच्चे को किसने किडनैप किया किडी? योर ऑनर, आरंभ में मुझे लगा कि जो मिसेज मेहरा को ब्लैकमेल कर रहा था राजीव, उसी ने अगवा किया होगा, किंतु मैं गलत था। यार चित्र पाए हैं मैंने, मैं आग्रह करूंगा कि आप एक बार इन्हें देखें। योर ऑनर, मैं विशेष रूप से अदालत का ध्यान 2 दिनांक पर आकर्षित करना चाहता हूं। एक, मिस्टर मिसेस मेहरा का विवाह का दिनांक, और द्वितीय, शुभम की जन्म तारीख। योर ऑनर, इस गणित के अनुसार शुभम विवाह के 7 महीने बाद ही पैदा हो गया, किंतु योर ऑनर, जांच के अनुसार शुभम में एक प्रीमेच्योर बेबी नहीं था, पूरे 9 महीने बाद आया, जिसका अर्थ बहुत ही सरल होता है। मिसेस मेहरा, क्या लगता है आपको, ये सत्य छिपाने में अब आपका कोई हित है? हाँ हाँ, शुभम राजीव का ही बेटा था। ऑर्डर, ऑर्डर। और यही कारण था योर ऑनर कि मिस्टर जगन मेहरा ने उस शिशु की निर्मम हत्या कर। शुभम का जन्म हारती के मायके में हुआ था। वहां से मुझे बताया गया कि प्रीमेच्योर है। मैंने भी मान लिया, बर्थ सर्टिफिकेट देखना ठीक नहीं समझा, और उसके बाद ये आदमी अटक गया। मुझे लगा कि नया अफेयर होगा। थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि नहीं, पुराना अफेयर था। उस दिन से आरती की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। उस दिन से
शुभम को जब भी मैं देखता था, मुझे मुझे एक आंख नहीं भाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे मेरी पूरी जिंदगी छूटी है। मार दिया उसे। ऑर्डर ऑर्डर। और ये सब सुलझ जाता तो मैं इसे भी मार देता। Your Honor, इस केस के सारे तथ्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। दुख की बात तो ये है, इस केस से जुड़े हर व्यक्ति ने उस शिशु की मृत्यु से लाभ उठाना चाहा। The defense rests, Your Honor. ये अदालत जगन मेहरा को शिशु हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और वृंदा ग्रोवर, प्रकाश टोडे, राजीव कपूर और वाहन चालक सुखीराम पे अलग से मुकदमा चलाने का आदेश देती है। दिस केस इज क्लोज्ड। रणवत साहब आ गया चाहेंगे। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि आप सचमुच उनके काला जादू में फंस गए। नहीं 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 रणवत साहब, मैं काले जादू में नहीं फंस सकता, क्योंकि मेरा सफेद जादू जो है उस काले जादू से भी ज्यादा भयानक है। Am I right? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.